दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल जीएस स्पार्क में। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात किया था भाग 5 के बारे में कंप्लीट, जैसा कि आप लोगों ने अच्छा कमेंट किया था और अच्छा वीडियो का रिस्पांस भी रहा। दोस्तों मैं देरी ना करते हुए मुझे नेक्स्ट आपको पार्ट बनाना पड़ा, जैसा आप लोग कमेंट के में किए थे कि नेक्स्ट पार्ट बनाइए सर। चलिए हम बात करें 5 भाग के बाद, 5 भाग क्या है 6, तो एक बार आयोजन करा देते थोड़ी समय लेके आपका। जैसे भाग 1 में बात किया था संघ तथा उसके राज क्षेत्र के बारे में, भाग 2 में बात किया था नागरिकता, और भाग 3 में बात किया था मौलिक अधिकार, भाग 4 में बात किया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके बारे में बात किया था भाग 4 क मौलिक कर्तव्य, नेक्स्ट भाग 5 था और संघ के बारे में बात किया था। इसके बारे में मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में रिकॉल कराने के लिए। चलिए बात करें भाग 6। किसके बारे में? भाग 6 के बारे में आप पढ़ेंगे राज्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्य के बारे में। जो आर्टिकल पढ़ेंगे 152 से लेके 237 तक पढ़ेंगे, भाग 6 के बारे में पढ़ेंगे 152 से लेके 237। और इसकी इंग्लिश भी होती है स्टेट्स। कौन सी इंग्लिश होती है? राज्य की इंग्लिश क्या होती है? स्टेट्स होती है। ओके, तो राज्य के बारे में पढ़ने का मतलब क्या है? जैसे हमने बताया था कि भाग 5 क्या है? केंद्र का संविधान है, उसमें सुप्रीम कोर्ट केंद्र से संबंधित जो चीजें थी आप भाग 5 में पढ़ेंगे। इसमें राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जैसे राज्यपाल, हाई कोर्ट और मुख्यमंत्री। तो इसको याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है। कैसे याद करेंगे? आर्टिकल 152, जैसे आर्टिकल 152 परिभाषा दिया गया राज्यों की, 153 में कहा गया राज्यपाल के बारे में, यानी राज्य संबंधी जो पढ़ेंगे आप भाग 6 में पढ़ेंगे। और इसको याद करने का ट्रिक है, मैंने बताया भाग 6 का भी सोच तो राज्य, इसकी इंग्लिश होती स्टेट। तो स्टेट में देखेंगे 6 शब्द, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और भाग 6 में क्या है? राज्य के बारे में कहा गया। ओके, मैं उम्मीद करता हूं आपको काफी अच्छा ट्रिक लगा होगा। नेक्स्ट भाग 7, जो आपका नेक्स्ट भाग आएगा भाग 7, यानी 238 आर्टिकल ओनली आप पढ़ेंगे। यानी आप भाग 7 को क्या किया गया आपको पता है? समाप्त कर दिया गया। किस संविधान संशोधन? 7वां संविधान 1956 द्वारा भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। यानी भाग 7 वर्तमान में नहीं है, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। कौन सा आर्टिकल है? 238 आर्टिकल है। इसको याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है, देखिए हिंदी में मैंने इसको लिखा 7, स से 7 होता है, स से समाप्त होता है, स से 7वां संविधान 1956। एक बार गौर करिए, स से 7 होता है, स से समाप्त होता है, स से 7वां संविधान 1956 द्वारा इसको क्या किया गया? समाप्त किया गया। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट भाग है भाग 8। भाग 8 जो आर्टिकल पढ़ेंगे 238 के बाद कौन सा पढ़ेंगे? 239 से लेके 242 तक पढ़ेंगे, यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न क्या बन सकता है? कि प्रश्न ये बन सकता है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आप बताएंगे 9 हैं। जैसा कि आपको पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 को हटा के उसको क्या किया गया? केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनाया गया। यानी भाग 8 का विषय वस्तु केंद्र शासित प्रदेश है। इसको याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है, देखिए स्टार्टिंग का क आ रहा है, क्या आ रहा है? क, और क को लग रहा है 8 में क्या किया गया? प्लट दिया गया। देखिए क को क्या लग रहा है? 8 में क्या किया गया? 8 को क में प्लट दिया गया। तो इससे लिंक करके याद कर सकते हैं, यानी भाग 8 का विषय वस्तु क्या है? केंद्र शासित। आपको पता है कि अंडमान निकोबार क्या है? द्वीप केंद्र शासित प्रदेश है, आपको ये भी पता है। तो अ से 8 भी होता है, अ से अंडमान निकोबार होता है, यानी भाग 8 का विषय वस्तु क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। चलिए इसको रब करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, भाग 9 के बारे में बताता हूँ। इतनी बात क्लियर होगी। भाग 9 का विषय वस्तु है, आपको पता है जैसा कि पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कहा गया। भाग 9 में पढ़ेंगे जो आर्टिकल पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल की बात करते हैं 243 से लेकर 243A to 243O तक पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाग 9 243 आर्टिकल से लेकर 243A to 243O यानी पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। यानी 243 आर्टिकल एक कहता है पंचायती राज को क्या किया गया? परिभाषित किया गया। तो डायरेक्ट प्रश्न आता है 200 आर्टिकल किससे संबंधित है? आप बताएंगे पंचायती राज। और 2, 4, 6, 3, 9 जोड़ेंगे कितना होगा? 9। और 243 आर्टिकल यही कहता है पंचायती राज को क्या किया गया? परिभाषित। जैसे यूपी टेट का पेपर हुआ था, बहुत से एग्जाम होते डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। जैसे हाल ही में अभी पेपर हुआ था तो आप देखेंगे कि यूपी टेट का पिछले साल और इस साल भी आने की संभावना हो सकती है कि डायरेक्ट पूछ दिया था भाग 9 का विषय वस्तु क्या है? पंचायत। जिनको पता था वो सही किया था। इसको मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा, इजिली कर जाएंगे। कैसे? पहले तो पहला ट्रिक है, इसको इंग्लिश में लिखेंगे पंचायत,
इसको इंग्लिश में आप पंचायत लिखेंगे तो इसमें कितने शब्द आएंगे? 9 आएंगे। काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें 9 शब्द आएंगे और भाग 9 का विषय वस्तु क्या है? पंचायत। तो इससे लिंक करके याद कर सकते हैं। और पंचायत में देखेंगे तो 5 अगर संधि विच्छेद करेंगे इसका तो 5 × 4 बराबर कितना होगा? 9। और भाग 9 में ही क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। एक प्रश्न और बना था, वीडियो का पेपर हुआ था तो उसमें डायरेक्ट प्रश्न आ गया था कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताएंगे 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। इसके बाद कहाँ हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न ये भी बन सकता है कि इसके बाद दूसरी कब हुई थी, तो आप बताएंगे 11 अक्टूबर 1959 को दूसरी कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो पंचायती राज व्यवस्था से इतने प्रश्न बनते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के जाएंगे तो जितने भी एग्जाम होंगे, पीसीएस जो एग्जाम 8 दिसंबर को होने वाला है, तो उससे प्रश्न आएंगे, आप इजीली कर जाएंगे। नेक्स्ट भाग बात करें भाग 10 SC ST के बारे में पढ़ेंगे। भाग 10 के बारे में किसके बारे में पढ़ेंगे? SC और ST के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो आर्टिकल है 244 से लेके 244A तक पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? 244 से लेकर 244A तक पढ़ेंगे, यानी SC और ST के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, भाग 10 आता है पूछता है तो 2 बताते हैं 3 बताते हैं, कन्फ्यूजन रहता है। मैं आपको इजिली ट्रिक बताऊंगा कि आप भाग 10 को अगर देख लेके जाएंगे तो प्रश्न आएंगे तो सही है। SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति, ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, ये तो सबको पता है। तो चलिए कैसे याद करें, देखेंगे SC में ES की बनावट 5 है और ST में भी ES की बनावट 5 है और दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 10। और भाग 10 ही क्या कहता है? SC और ST के क्षेत्र के बारे में कहता है। किसके बारे में कहता है? SC और ST के क्षेत्र के बारे में कहता है। नेक्स्ट भाग आपका भाग 11 के बारे में बात करेंगे, यानी भाग 10 तक मैंने कंप्लीट बात किया। भाग 11 का आर्टिकल जो पढ़ेंगे 245 से लेके 263 तक पढ़ेंगे। कहाँ तक पढ़ेंगे? 245 से लेके 263 तक पढ़ेंगे, यानी केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध, केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध। ओके, यानी इसको भी याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं भाग 11 कैसे याद करें, चलिए आइए बहुत इजी वर्ड से समझते हैं इसको कैसे याद करेंगे। भाग 11 केंद्र तथा राज्य के बीच क्या संबंध है? तो जैसा हमने बताया था कि 5 में संघ है, 6 में राज्य है। क्या बताया था? 5 में संघ यूनियन और 6 में क्या राज्य है, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा? 11। और भाग 11 यही कहता है केंद्र तथा राज्य के बीच क्या है? संबंध। यानी भाग 11 तक मैंने कंप्लीट बात किया। 1 में बताया आपको संघ तथा राज्य के क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके बाद 4 का मौलिक कर्तव्य, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 को क्या किया समाप्त किया गया, 8 में बताया केंद्र शासित प्रदेश राज्य, 9 में पंचायत, 10 में SC ST क्षेत्र और भाग 11 बताया किसके बारे में? केंद्र तथा राज्य के बीच। जैसे मैंने ट्रिक बताया 5 में संघ है, 6 में राज्य है, दोनों जोड़ेंगे 11 होगा और भाग 11 यही कहता है केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध। नेक्स्ट है भाग 12 जो पढ़ेंगे बजट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बजट के बारे में पढ़ेंगे। जो आर्टिकल पढ़ेंगे 264 से लेके 300A तक पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? भाग 12 में बजट के बारे में पढ़ेंगे, 264 से लेके 300A तक पढ़ेंगे भाग 12 में। तो इसको याद करने का बहुत सिंपल है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए कैसे हम दिखाते हैं आपको, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। हिंदी में हमने 12 लिखा, बहुत से 12 होता है, बहुत से बजट होता है, यानी भाग 12 में क्या है? बजट है। जो आर्टिकल पढ़ेंगे 264 से लेके 300A तक पढ़ेंगे, यानी कंप्लीट 12 भाग तक बात किया। नेक्स्ट में वीडियो में बात करेंगे टोटल भाग के बारे में। चलिए एक बार योजन करा देते हैं। भाग 1 में संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, 2 में नागरिकता, 3 में मौलिक अधिकार, 4 क में मौलिक कर्तव्य, 4 भाग 4 में बताया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या राज्य की नीति निर्देशक तत्व, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 को समाप्त कर दिया गया, 8 में केंद्र शासित प्रदेश, 9 में पंचायत, इसके बाद मैंने आपको बात किया 10 में SC ST क्षेत्र के बारे में बात किया, 11 में मैंने आपको बताया केंद्र तथा राज्य के बीच संबंध, 12 में बजट। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताते रहिए कि आपको किस वीडियो की आवश्यकता है और नेक्स्ट पार्ट बनाना है कि नहीं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही हजारों ट्रिक के लिए हमारे GS Spark चैनल को
सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करिए ताकि हम आपसे जुड़े रहें और अनदर लोग को ये वीडियो पता चले। इस पर हर प्रकार की इंग्लिश की वीडियो, ट्रिक की वीडियो, करंट की वीडियो, ऑल सब्जेक्ट प्रोवाइड होते रहते हैं। ओके दोस्तों, आपको जीएस स्पार्क चैनल बनने लगे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू।